नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑफ टोहर ब्लॉक और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट टोहर ब्लॉक लगाने से क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में बताएंगे। टोहर ब्लॉक का प्राइस क्या है और नेक्स्ट दोस्तों कितने दूरी पर टोहर ब्लॉक को लगाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पहले हम दिखाते हैं टोहर ब्लॉक कैसा होता है। दोस्तों ये आपका टोहर ब्लॉक का डब्बा है जो एक डब्बा में टोटल आपका 100 पीस होता है, 100 पीस का एक डब्बा होता है। आइए कुछ अंदर खोल के देखते हैं दोस्तों। कुछ इसी टाइप का होता है टोहर ब्लॉक। अब देख पा रहे हैं दोस्तों 30x40 mm है दोस्तों। इसका प्राइस बहुत कम है, इसका प्राइस है ओनली 5 रुपया पर पीस प्राइस है। और दोस्तों एक डिब्बा लेने पर करीब पड़ता है आपका 450 रुपया ऐसे, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये आपका इकोनाइट कंपनी का टोहर ब्लॉक है। आइए कुछ नेक्स्ट दोस्तों देखा जाए तो घर में आदमी छत ढाई करने में लाखों रुपया खर्च करता है, पर छोटा सा दोस्तों टोहर ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका सबसे नंबर वन उसका हानि क्या होता है कि आपका जैसे ढलाई करने के बाद जब सेटरिंग सब हटता है तो दोस्तों सरिया लौटना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों फ्यूचर में वही सरिया आपका फिर मुचाना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों पेंट मारने पर पुटी मारने पर वहाँ पर बहुत सारा समस्या होने शुरू हो जाता है। वैसे दोस्तों कॉलम वर्क में टोहर ब्लॉक न लगाने पर साइड से दोस्तों सरिया दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये हो गया हानि के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना दूरी पर लगाना है टोहर ब्लॉक। तो दोस्तों 3 फीट की दूरी पर यहाँ पर हम लगा लिए टोहर ब्लॉक, एक और हमको 3 फीट की दूरी पर लगाना है टोहर ब्लॉक। तो वैसे जाकर दोस्तों सक्सेस होता है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं, अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि टोहर ब्लॉक लगाने लिए क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों देखा जाए टोहर ब्लॉक को फाउंडेशन, कॉलम, बीम और स्लैब की ढलाई में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए टोहर ब्लॉक सरिये को 2-3 इंच शटरिंग से दूर करता है जिससे कंक्रीट सरिये के चारों ओर बराबरी से चला जाए। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए टोहर ब्लॉक सरिये को मौसम की मार से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट दोस्तों टोहर ब्लॉक थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है जो आग से सरिये को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए टोहर ब्लॉक आग के दौरान सरिये को आग से लंबे समय तक बचा के रखता है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए टोहर ब्लॉक सरिये के स्थायी कर डिजाइन के अनुरूप रखता है। एंड लास्ट दोस्तों बात किया जाए टोहर ब्लॉक यह सुनिश्चित करता है कि कंक्रीट पूरी तरह से सरिये की से जकड़ ले जिससे निर्माण को मजबूती मिले। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घर में कौन सा वर्क में कितना mm का टोहर ब्लॉक इस्तेमाल करना है। दोस्तों स्लैब में हम 20 mm टोहर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, बीम में 25 mm का, कॉलम वर्क में 40 mm का और दोस्तों नेक्स्ट फाउंडेशन में दोस्तों 50 mm सरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा टोहर ब्लॉक के ऊपर वीडियो। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताएं और जो भाई अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वह मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।